आज का ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने खुद 7 डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया था और मेरे फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली और इसमें पिंपल्स जल्दी जल्दी आ जाते हैं। जिनका ऑयली फेस है उनको तो पता ही होगा कि ऑयली स्किन में कितना प्रॉब्लम होता है। सो आज मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया था इन 1 वीक में और मुझे अपने फेस इतने सुंदर देखने को मिल रहे हैं अभी। मतलब मैं क्या बताऊँ, पिंपल के ज़्यादा निशान भी नहीं है। 1 वीक में ये हुआ है, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। पहले मेरी फेस की हालत कुछ ऐसी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं ठीक करूँ। मैंने काफ़ी कुछ यूज़ भी किया, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया ऐसा कि सिर्फ बाहर से चीज़ें अप्लाई करने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें इंटरनली भी काम करना पड़ेगा, तभी अंदर से भी ग्लो आएगा स्किन पे और उसके ऊपर अगर हम बाहर से कुछ यूज़ करेंगे तो वो जल्दी जल्दी असर कर पाएगा। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी भी किया था कि कैसे पिंपल को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने ब्लड को साफ करना पड़ेगा। जिनको पिंपल्स की परेशानी होती है उनको पहले अपने ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को दूर करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने हर रोज़ सुबह एक हेल्थ ड्रिंक पिया, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी, और मैंने एक फेस वॉश यूज़ किया और एक सीरम भी यूज़ किया। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, कहीं भी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में चलने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो हेलो, आई एम लूंटी और मैं अपने चैनल पे होममेड रेमेडी शेयर करती हूँ हेयर केयर और स्किन केयर के लिए। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो इन 7 डेज में मैंने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो है मैंने बाहर के फूड बिल्कुल नहीं खाए, जैसे कि ऑयली और फ्राइड फूड्स, और मैंने 7 से 8 ग्लास पानी पिया है हर रोज़, और सुबह मैं एक ड्रिंक लेती थी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीट रूट। आप सभी को शायद पता होगा कि बीट रूट कितना ज़्यादा हेल्दी है। मैं अभी 1 ग्लास जूस बनाऊंगी, इसलिए मैंने एक मीडियम साइज़ का बीट अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसे मैं ग्राइंडर में भर रही हूँ। नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ फ्रेश पुदीने की पत्ती। त्वचा से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में पुदीना हेल्प करती है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी पुदीना का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वाले सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे लास्ट में हमें ऐड करना है पानी। मैं यहाँ पर 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब हमें इन सब का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। गाइस, बीट रूट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके कई फायदे हैं। ये खून की कमी को दूर करता है, एक्सरसाइज स्टेमिना को बेहतर करता है, हेल्दी वजन मेंटेन करने में मददगार है, कैंसर को रोक सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और साथ में इसमें पोटेशियम और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होती है। बीपी कम करने में ये सहायक है। अभी हमारा पेस्ट जो है वो बनके रेडी हो गया है, और इस टाइम पर अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो। फिर इसको छान के इसका जूस जो है वो हमें निकाल लेना है। आप चाहो तो जूसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस ड्रिंक को आपको रोज़ाना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। 1 वीक इसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी इन 7 डेज में मैंने कौन सा फेस क्लेंजर यूज किया है। मैं यूज कर रही हूँ न्यूड एक्ने कंट्रोल फोमिंग फेस क्लेंजर। इसमें है सलिसाइलिक एसिड, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल। हमेशा की तरह न्यूड का पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये मुझे 150 ml की बॉटल में रिसीव हुई थी। मैं इसे लास्ट 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से फेस को क्लीन कर रहा है, और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। इसमें जो कैप लगा हुआ है यहाँ पर ब्रसल्स है, और ये होमिंग फेस वॉश है। तो आप देखिए कैसे इसको यूज़ करना है, मैं आपको यूज़ दिखाती हूँ। इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है सलिसाइलिक एसिड। ये हमारे डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करती है और जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको ख़त्म करती है, एंड ऑल्सो ये पोर्स को पेनिट्रेट करके
डायरेक्ट एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और पिंपल्स को टारगेट करती है। और इसमें है नीम लीव एक्सट्रैक्ट जो कि एंटीबैक्टीरियल है, ये हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में और पोस्ट एक्ने स्कार को कम करने में हेल्प करती है। और इसमें है टी ट्री ऑयल, ये एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म कर देती है, ये हीलिंग प्रोसेस को एसिलिएट करती है, रेडिएंट और स्मूथ स्किन प्रोवाइड करती है। अभी मैंने जो फेस क्लेंजर दिखाया वो मेरे स्किन टाइप पे एकदम सूटेबल है। उसके साथ साथ न्यूड ने और कुछ क्लेंजर भी लॉन्च किए हैं। आप अपने स्किन टाइप और स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फेस वॉश चूज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। और उसके बाद मैंने ये वाला सीरम भी यूज किया। सबसे पहले हमें एक ग्लास पानी को गर्म कर लेना है और उसमें दे देना है 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड हमारे हेयर के लिए जितना अच्छा है उतना ही हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है। ये हमारे स्किन को स्मूथ बनाती है, ग्लोइंग बनाती है, अगर फेस पे कोई निशान है तो उसको जल्दी जल्दी ठीक करने में हेल्प करती है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस। तो ये भी आप लोग हेयर केयर के लिए यूज़ करते हो, ये उतना ही स्किन केयर के लिए भी अच्छा होता है। आपको 2 से 3 हिबिस्कस के फ्लावर ले लेने हैं और इसमें डाल देने हैं। फिर इस पानी को हमें 10 से 15 मिनट्स तक बॉयल करना है। आपको इसे रेगुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर आप बाहर रखते हो तो ये 5 डेज तक रहेंगे और अगर आप फ्रीज में रखोगे तो 15 डेज तक ये चलेगा। एंड इस सीरम को कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आपकी एज 10 साल से ऊपर है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो इसको यूज़ करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। इसे हमें गरम गरम ही छान लेना है और फिर इसे ठंडा होने के बाद एक स्प्रे बॉटल में स्टोर कर देना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी साफ बॉटल में इसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना अगर बॉटल प्लास्टिक का है तो ये जेल ठंडा होना ज़रूरी है, फिर आपको बॉटल में डालनी है। अब कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको फेस वॉश करने के बाद इसको अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना है। इस सीरम को बनाने के लिए मैंने 2 चीज़ें यूज़ किया है, इसमें फ्लैक्स सीड और हिबिस्कस फ्लावर। तो इसमें से कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। आप चाहो तो इसमें 2-1 चीज़ और डाल सकते हो, जैसे कि नीम लीव्स, एलोवेरा, पुदीने की पत्ती, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आप भी 7 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि 7 डेज यूज़ करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला। 2 दिन या फिर 3 दिन यूज़ करके छोड़िएगा मत। जो जो मैंने बताया है, जैसे जैसे बताया बिल्कुल वैसे फॉलो कीजिए और मुझे एक सही सा फीडबैक ज़रूर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।